Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique Javed. Now it's time to discuss issues of agriculture sector. I'm pleased to have Mr. Anjum Iqbal Warsi sahab, consultant and agriculture ke bade expert mane jaate hain. Aur inse ye puchna chahunga ke abhi jo rice export aur dusri cheezein jo hum export karte hain agriculture ke, uski kya situation hai? सब श्रीलंका की बड़ी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ हमसे राइस लेने वाला है. कॉम्पिटिटिव इनफ टू डू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खान साहब, वंस अगेन थैंक यू. माय प्लेजर. और आपके चैनल और आपका टीवी, आपका टीम जो है, फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. श्रीलंका की रिक्वायरमेंट 5 लाख टन इमरजेंसी बेसिस पे उन्हें चावल चाहिए. क्या वहाँ फसल ख़राब हो गई? फसल ख़राब हो गई. और 5 लाख टन, 5 लाख टन उसमें से उन्होंने 3 लाख टन दे वांट टू सिक्योर कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस. अच्छा, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं बाय करना चाह रहे. प्रॉब्लम्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, कभी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, फेलियर टू डिलीवर हो गया. 2 लाख टन वो कह रहे हैं आप प्राइवेट सेक्टर से बाय कर लें. अच्छा, विच राइस इज दैट, इरी या बासमती? इरी राइस. इरी. अच्छा, वो लोग इरी खाते हैं, बासमती भी खा रहे हैं. अब अच्छा, एक इंट्रोडक्शन उनका मिला है, बासमती भी लेंगे वो. मगर बार बार बल्क जो होगा वो इरी होगा. 5% ब्रोकन वो उनको करना है. उसके लिए एक टीम, उनके श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टीम भेजी, हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेजी, पाकिस्तान से लो, देखो जाके क्या सिचुएशन है. क्योंकि अब हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि हम एंड ऑफ द सीज़न हो गया, नया क्रॉप्स कोई 6 हफ्ते रह गए. अच्छा, जब नया क्रॉप आएगा उसके ऊपर भी सिचुएशन ये है कि बम्पर क्रॉप होगा, माशाल्लाह, विच इज़ ब्लेसिंग जिसे कहते हैं, अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत एहसान है. अब आपका सवाल कि जी वो कम्पटिटिव होंगे या नहीं होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इंडिया का जिक्र नहीं किया, जो कि 5-6 मिलियन टन लेके बैठा हुआ है. अच्छा, उसके पास. अच्छा, हमारी सरप्लस कितनी है? हमारी सरप्लस है ही नहीं फिलहाल. अच्छा, तो फिलहाल तो वही पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है. नहीं, 5 लाख देने की कैपेसिटी है हमारे पास? 5 लाख नहीं मांग रहे, वो पूरा अभी नहीं. अभी तो 2 लाख प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है. इंडिया की सिचुएशन ये है कि उनके यहाँ फ्लड्स भी आ गए, रेनिंग मानसून एक्स्ट्रा हो गया, कुछ डैमेज भी हो गया क्रॉप. और उनके जो रीपेमेंट्स थी बैक, जो कि उनकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी, उसमें पेमेंट डिले हो गई हैं, नहीं आ रही पेमेंट्स. तो वो एडेड वैल्यूज़ में शामिल किया हुआ था उन्होंने, अब जाके वो अनकम्पेटिटिव हो गए. अच्छा, तो एक तरीके से ये भी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग आ गई लमिया की. तो अब वो 3 लाख टन 2 लाख टन हमारे सप्लायर दे सकते हैं? द आंसर इज यस, वी हैव दैट. यस, वी हैव दैट. मगर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? गवर्नमेंट सप्लायर, प्राइवेट सेक्टर से लेती है जी. मगर वो एक ऐसा स्टेप होता है खान साहब कि वो जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो प्राइवेट सेक्टर डरता है कि भाई फिर हमारे पैसे नहीं मिलेंगे हमें. और फिर ये कि उनके नाम पर अगर जाएगी तो फॉरन एक्सचेंज LC के अंदर गवर्नमेंट के नाम पर आ रही है. अच्छा, गवर्नमेंट अब देगा कि नहीं देगा? लोकल करेंसी में आपको वो सर्कुलर डेट वाला इशू. अब वो आपको देगा रुपीस के अंदर, तो एक तो ये इशू है. रुपीस में देना भी आप टैकल कर सकते हैं, मगर आप जैसा आपको मालूम है 2 दफ़ा टंबल कर चुका है. हाँ, और वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा. बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ट्रेड केयरफुली के लिए वो जाहिर है ज़रा सा अपना हेज करेंगे, उसको उसके लिए बढ़ाएंगे पैसे, तो उसमें अनकम्पिटिटिवनेस वाली बात आ जाएगी. मगर डेस्परेशन है कि ये 2 लाख टन तो जाना ही जाना है, और अगस्त सितंबर के अंदर शिपमेंट होनी है इसकी. अच्छा, टाइम इज़ वेरी टाइट. टाइम इज़ वेरी टाइट, क्योंकि उनके यहाँ तकरीबन यूँ समझ लें. अच्छा, उन्होंने ये तक किया है कि 5 रुपये ड्यूटी अपनी उड़ा दी. अच्छा, राइस के ऊपर कि भाई इसको करें, और वो कम्पिटिटिव भी हो जाएगा लोकल अवेलेबिलिटीज़ के ऊपर. ये तो एक मार्केट जो कि थी, आती रहती. अच्छा, है श्रीलंका के जो 5 लाख के डिमांड है उसके पीछे और कौन से मुल्क भाग रहे हैं? सारे के सारे राइस प्रोड्यूसर्स भाग रहे हैं उसमें. जिसमें थाईलैंड होगा, थाईलैंड बड़ा है, वियतनाम है. अच्छा, म्यांमार है.
अच्छा, म्यांमार भी सरप्लस है? म्यांमार भी सरप्लस है, पाकिस्तान है, इंडिया है ही, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है सरप्लस। आज अभी आपने बताया इस दफ़ा थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन अभी वो भी ये टीम जो आई थी तो ये तो वो मुल्क भी तो गए होंगे ना, श्रीलंका? जी बिल्कुल, वो श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं, वो जो टीम भेजी उन्होंने भेज दी भाई, जाके मार्केटिंग करके नहीं देख के आओ कहाँ क्या पोजीशन है, क्योंकि मैं अब उसको रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उस सिनेरियो में इंडिया का जिक्र नहीं आ रहा फिलहाल, मगर देन वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड पाकिस्तान। लोकेशन वाइज तो हम करीब हैं श्रीलंका। जी बिल्कुल, लोकेशन वाइज भी हैं और एक किस्म से दोस्ती भी हमारी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। दूसरी मार्केट जो खुली है वो भी शॉर्टेज में चल रही है, वहाँ भी प्रॉब्लम आई है, और वहाँ तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम आई है, इस फिलीपींस बहुत बड़ा कंज्यूमर है साहब, बहुत बड़ा है, हर फिलिपिनो खाली चावल ही खाता रहता है सर, पूरा एरिया ही उनका स्टेपल फूड चावल है। आप चाइना का स्टेपल, सरप्राइजिंग कि फिलीपींस इतना बड़ा मुल्क है और इतना बड़ा कंज्यूमर ऑफ राइस है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी नहीं है सर, वहाँ पे शॉर्टेज है थोड़ी, शॉर्टेज प्रोड्यूस तो करते होंगे मगर नेट इम्पोर्टर है। छोटे छोटे आइलैंड का मजमुआ है जी, जो कि इंडोनेशिया में भी है, वो भी अनदर राइस प्रोड्यूसिंग, कम राइस इम्पोर्टिंग। इंडोनेशिया भी इम्पोर्टर है? इम्पोर्टर है। अच्छा, मगर वो ये सेल्फ एफिशिएंट हो जाते हैं अक्सर सर, कभी कभी जो शॉर्ट। अच्छा, श्रीलंका नॉर्मली इम्पोर्टर है या हो गया इस वक्त? नहीं नहीं, हो गया इस वक्त, आमतौर से सेल्फ सफिशिएंट इस वॉल्यूम में नहीं है इम्पोर्टर। अच्छा, थोड़ा बहुत है। पहली दफ़ा आया है इस वॉल्यूम के अंदर, मगर इट्स अ गुड थिंग हमारे लिए, तो ये है कि अल्लाह का शुक्र कोई चीज़ तो चले, क्योंकि टेक्सटाइल आपका नहीं हो रहा, शुगर आपकी बॉर्डर लाइन पर बैठी हुई है, आपका व्हीट बॉर्डर लाइन पर बैठा हुआ है। अब उसमें जो एक एडिशन मैं आपको अभी बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है, क्योंकि हम उसे नेगेटिव पॉइंट पे लेते थे इन प्रीवियस डिस्कशन, कि भाई किसान को बैंक फाइनेंस क्यों नहीं कर रहा, ये बहुत सी दफ़ा बात बात की है। तो खुशखबरी उसमें ये है कि एक छोटा सा अमाउंट, छोटी सी क्वांटिटी लेके हमारा लीडिंग बैंकर पाकिस्तान हैज़ गिवन अ लोन of 32 million rupees to two farmers. अच्छा, under a collateral management system. Collateral management system यानी कि उनके जो product आएंगे उसको वो गिरवी रख लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अब वो गिरवी किस तरह से रख रहे हैं कि बैंक उसमें इन्वॉल्व है, और जो हमारी कमोडिटी एक्सचेंज, अच्छा वो भी कमीशन, वो उसके अलावा तो करेगा नहीं बैंक, क्योंकि बैंक का अपना प्रॉब्लम है। और ये जो है खान साहब, पहले तो ये कि जो आप ले रहे थे कोलैटरल मैनेजमेंट के ऊपर परसू हो रहा था, वेयर हाउस और साइलोस की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, बिल्कुल है। और ये अब उन्होंने क्या किया कि जी कमोडिटी एक्सचेंज में या फिर बैंक के साथ अगर उनके वेयर हाउसेज हैं तो बात बनती है। अच्छा, अब हद ही हो गई है कि एक और सिचुएशन में देखें, वो छोटा सा इस पाइनियर प्रोजेक्ट 800 टन की बात हो रही है, ऐसा कोई लंबा चीज बात नहीं, मगर ये कि नेवरदलेस इट इज़ अ गुड स्टार्ट, उसका बायर ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, उसने कह दिया जी ठीक है, क्योंकि ये आप क्रॉप को फाइनेंस आ गया तो बैंक का तो काम खत्म है, बट द बायर अब क्या कर रहा है कि ही इज द पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क, बट ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइनेंस इट इन अ वे कि वो अपने वेयर हाउस में ले लेगा उसको। अच्छा, और उसका वेयर हाउस इज ऑन द लिस्ट ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज एंड ऑफ द बैंक। अब वो कमोडिटी एक्सचेंज, अब उसको मर्चेंडाइज एक्सचेंज कह रहे हैं वो। अब इसमें जब आप हर एक का थोड़ा थोड़ा शेयर ऐड करेंगे प्राइस बढ़ जाएगी, फिर वो अनकम्पेटिटिव होते हैं एक नहीं होती, मगर नहीं, दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि आप कैश फाइनेंस दे रहे हैं ऑन द क्रॉप, अब क्रॉप कल को फेल हो सकती है, अगर क्रॉप कल को फेल हो जाए यही वो वजह थी कि क्रॉप के ऊपर फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। और अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये सर, हम लोगों ने जो शोर मचाया ना उसका नतीजा है। बिल्कुल सर, कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना मुल्क के लिए, बिल्कुल तो मचा रहे हैं, क्योंकि पहले ये हो रहा था जो डिस्कस हुआ और नहीं चला कि जी वो उसका ट्रैक्टर, उसका ट्यूबवेल, उसका थोड़ा बहुत जो है ये गिरवी रखेंगे उससे बात बन नहीं रही, गरीब की छोटी उससे बात नहीं बन रही थी। अब आप कैश क्रॉप के ऊपर अगर लोन दे रहे हैं
And it's a major issue. It's a major problem. Can't insurance help in this? To a certain extent. Expensive. To a certain. वो देखिए ना हर एक का मार्जिन वो 0.1% या 0.2% भी अगर लें तभी काफ़ी बढ़िया तो काफ़ी बढ़ जाएगा वो सब एडेड वैल्यू पे चला जाएगा. और फिर जा रहे हैं आपके जी ब्रांड, हमको ब्रांडिंग करनी है, विच इज़ द ओनली थिंग. क्योंकि अगर यूरोप और अमेरिका में आपको करना है तो वहाँ ना सिर्फ ये कि वो ब्रांड चले मगर उनकी जो 1000 और हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी, उसको पूरी करना पड़ता है. अच्छा, फिलीपींस का आपने जिक्र किया जी, कि वहाँ भी शॉर्टेज है और वहाँ भी बड़ी शॉर्टेज है. बड़ी वहाँ तो होगी सर, वहाँ तो होती है. कितनी वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है? अगेन वी आर टॉकिंग 2-3 लाख्स. अच्छा, हाँ बिल्कुल. और ये 2-3 लाख्स तो ये आर वी परसुइंग दैट? यस यस, मगर उसका फिर वही उनका सिचुएशन है. श्रीलंका से तो हो जाएगा, वो तो एलसी आ जाएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी के साथ, जो भी कोई होगी, वो पास्को हुआ या TCP हुई या किसी को भी वो नॉमिनेट कर देंगे. आजकल के हालात में कौन किसको क्या नॉमिनेट करता है ये भी बिग क्वेश्चन मार्क. गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है थोड़ी. ये वहाँ फाइनेंस करना पड़ता है. फिलीपींस में? फिलीपींस में. अच्छा, गवर्नमेंट, दे डोंट हैव द मनी. अच्छा, दे डोंट हैव मनी. दे डोंट हैव मनी, सो दे विल बाय इट ऑन क्रेडिट फॉर 3 मंथ 4 मंथ जो भी. जी या ज़्यादा? बिल्कुल नहीं, तीन महीना 2 महीना वट एवर द केस में भी जो भी एक्सपोर्ट तो करेगा उसके पास 3 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. मगर अब यहाँ वही सिस्टम तो वही है कि मैकेनिज्म वाइज इट्स नॉट ऑल अबव बोर्ड. तो फिलीपींस में आ गया आपका NFA, उसको कहते हैं नेशनल फूड अथॉरिटी. अच्छा, इंडोनेशिया में बुलॉग इज नॉट ओनली फॉर राइस बट फॉर एनी एडिबल फूड स्टफ, वो सब कर रहे हैं. श्रीलंका के अंदर CWE, कोऑपरेटिव होलसेल एस्टेब्लिशमेंट. अच्छा, तो ये अगर डील करें तो आपकी एक किस्म की सिक्योरिटी आ जाती है. एक इदारा, बड़ा इदारा आपके गवर्नमेंट का होगा ना फिर, गवर्नमेंट का इदारा. अब यही वो वजह है कि वो 3 लाख टन कह रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे करेंगे. वो CIS जो बता रहे हैं, कौन सा इदारा श्रीलंका का? CWE. CWE जी से गवर्नमेंट के किसी इदारे के यहाँ पे किसी भी इदारे. अच्छा, पाकिस्तान में ठीक है से डील होगी. वो जो भी कोई नॉमिनेट करेंगे 99% मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो TCP होगी. TCP होगी. अच्छा, TCP होगी. और उसके बाद जो सप्लायर्स आते हैं सामने वो फिर TCP से लोकल उसको सेल करेंगे और ये आगे बढ़ जाएगा. अच्छा, देखिए जैसे कि हमने बात की श्रीलंका तो बिल्कुल हमारे करीब है, वहाँ पर तो एक ट्रांसपोर्ट का कम से कम कॉस्ट का एडवांटेज हमें है. बिल्कुल, फिलीपींस इज़ वेरी फार एंड वियतनाम वाला उससे ज़्यादा करीब है. मगर लिए हैं सर, फिर भी लिए हैं. अच्छा, फिर भी लिए हैं. सो दे लाइक अवर एरी और इट इज़ अ क्वालिटी मैटर्स ऑल द टाइम. ये ऐसी बात नहीं है. इसके अंदर इंडिया 2-3 दफ़ा फंसा है कि क्वालिटी के अंदर फंस गए जाके वो. अच्छा, देर इशूज़ ईरान में इंडिया का बासमती खराब निकला है. ख़राब निकला है तो ये सारे अभी इंस्पेक्शन कंपनीज आएंगी बीच में. सर, इस पर ईरान पे याद आया कि ईरान के ताल्लुकात इंडिया से बड़े अच्छे थे, लेकिन जब से वो इसराइल किया है जी बिल्कुल ईरानी नाराज़ हो गए. बिल्कुल, तो आर वी लुकिंग एट ईरानियन मार्केट नाउ? वी हैव ऑलवेज बीन लुकिंग एट ईरानियन मार्केट. आज भी ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंस करने को तैयार हैं. वो तो बैंक अलाउ नहीं कर रहे. हाँ, जब तक बैंक अलाउ नहीं करेंगे तो फिर इट्स नॉट गोना बी इजी. वो बाय रोड बॉर्डर अक्रॉस आ रहा है मंद, मगर वो के इस अनअकाउंटेड फॉर तो आप बता नहीं सकते कि उसका फिगर क्या है. मैं गया वहाँ मंद चावल की ही बात करने के लिए. अच्छा, तो पता चला कि जो चावल यहाँ 55 का बेच रहे थे कराची में, वहाँ 85 का बिक रहा था. बिल्कुल, मंद में. बिल्कुल, बिल्कुल. वही चीज़ 115 का बिक रहा था ईरान में. या बिल्कुल, इतना बिल्कुल. बड़ा फैक्ट किसकी जिगर हो तो यहाँ का चावल ले जाकर मंद में बेच दे कैश. बिल्कुल, और वो थोड़ी देर के बाद ही दूसरी तरफ पहुँच जाएगा. अच्छा सर, तो ये तो आपने आज तो हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि आपने फाइनेंसिंग का भी जिक्र कर दिया, एक्सपोर्ट के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं. और कुछ इश्यूज जो आप गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहें इस वक्त कि गवर्नमेंट करे जिससे और भी बेहतरी आए एग्रीकल्चर सेक्टर में? गवर्नमेंट तो अभी इसी प्रोजेक्ट को भी जो मैंने बताया वो भी कह दिया उन्होंने कि ये हमने इसको सपोर्ट किया है, विच दे आर डूइंग. ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे, मगर प्रॉब्लम जो समझ में उनके आ रही है मगर दे डोंट वांट टू नो, वो कहते हैं जी ये नहीं हमारी प्रॉब्लम. विच इज़ कि जब फार्मर टू ट्रेडर टू एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स, ये जब इसके जब थोड़े थोड़े मार्जिन्स आप ऐड करेंगे तो वो प्राइस अनकम्पेटिटिव हो जाती है. अब इसी को देख लें, 2 लाख टन
जो गवर्नमेंट से ले, तो अगर डायरेक्ट करेगा तो ही इज़ टेकिंग द रिस्क. एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी उसको कवर हो जाएगा, वो लोकली भी उसको कवर करना है, तो वो मार्जिन तो रखेगा कुछ ना कुछ. ये मार्जिन उन्होंने एक्सेप्टेबल नहीं है. और फिर ये कि अगर वो कर दिया उसके बाद एलसी को कैश हो गया, एलसी इनका तो कैश हो गया, जब लोकल एलसी है वहाँ वही कर ले लेना, परसों ले लेना, हाँ वो घुमाएंगे भी. तो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. ये गवर्नमेंट तो वो गवर्नमेंट है जिसके आरपीओ पे भी लोगों को भरोसा नहीं रहा. जी बिल्कुल बिल्कुल. 200 बिलियन रुका हुआ है और कल जो है उन्होंने उसमें से 6 बिलियन रिलीज करके सीना पीट दिया कि जी हमने तो 6 बिलियन रिलीज. जी बिल्कुल. 6 बिलियन अगेंस्ट 200 बिलियन क्या है? कुछ भी नहीं है सर. यानी आरपीओ इज समथिंग व्हिच इज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक व्हिच आई गिव टू यू आफ्टर गेटिंग ऑल द सर्विसेज थ्रू माय सेटिस्फैक्शन. बिल्कुल बिल्कुल. पैसा काम मिल गया, आज कैश देना था, मेरे पास है नहीं, 15 दिन बाद का चेक ले लें. आपने कहा भाई तारिक साहब चेक बाउंस हो गया. तो ये सिचुएशन इस गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट से डील करेगा फंस जाएगा. लेट अस लुक एट इट कंटिन्यू ऑन अ पॉजिटिव बेसिस. मिल जाना चाहिए पैसा, ये बात नहीं है कि वो भाग जाएगा, मगर हालात कुछ ऐसे हुए हैं. 4 साल बाद मिलेगा तो क्या फ़ायदा जी. ये जो मार्जिन मिल रहे हैं कई साल के पुराने मार्जिन, ये आरपीओ जो इशू है. अच्छा सर, एक और मैं बात पता करना चाहता हूँ वीट के सिलसिले में. वीट हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट करने की हमने कोशिश की, लेकिन वी आर वेरी वेरी इनकम्पिटिटिव बिकॉज इंटरनेशनली वीट हैज़ कम डाउन टू 17 रुपीज पर केजी. जी बिल्कुल. और हमारा तो गवर्नमेंट ख़रीदता है 33 रुपये में. तो क्या करेंगे इस वीट का, जलाएंगे, फेंक देंगे पानी में, क्या करेंगे? हजरत के साथ मैं वो प्रोडक्ट को मैंने मेंशन नहीं किया इस प्रोजेक्ट में. मैंने प्रोडक्ट को मेंशन नहीं किया, इट इज़ वीट. अच्छा अच्छा. ये वो जो फाइनेंसिंग हो रही है, ये जो अच्छा, ये जो इसके इसका बिगिनिंग इसकी वीट से हुई. अच्छा, विच इज़ अ गुड स्टार्ट. वो फ्लावर मिल में चला जाएगा. वीट विल बी ट्रेडेड इन द मर्केंटाइज मार्केट नाउ, इट इज़ फ्यूचर्स में. इट इज़ इरी राइस भी एक दफ़ा लाए थे, वो चला ही नहीं, हो कोई मार्केट मेकर ही नहीं मिला सर. मैंने ज़ाती तौर पर कोशिश की थी, नहीं कर सका. नहीं नहीं मिला. वेल टफ. ये वीट के पे ट्राई किया है इन्होंने और इंशाल्लाह ये स्प्रेड होगा. उन वर्किंग बहुत हुई हुई है लास्ट 3-4. हाउ यू विल कवर द गैप बिटवीन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द लोकल कॉस्ट एंड लोकल प्राइस? दैट विल ऑलवेज रिमेन अ थॉर्न. वही आपको फिर से सब्सिडी देनी पड़ेगी जैसे चीनी पे दी थी आप. बिल्कुल है ना. बिल्कुल बिल्कुल. इट विल बी वेरी बिग एक्चुअली. इट विल बी. मैं ये कहता हूँ कि 17 रुपये में दुनिया को बेचने के बजाय यहाँ के बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों को बांट दो 17 रुपये का गंदुम. बिल्कुल. तो गुर्बत कम हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो बुरा मानते हैं ये गवर्नमेंट वाले के, ये कैसे बात करते हो तो भाई तुम 50 रुपये का आटा खिला रहे हो गरीब को, कीमत उसकी 17 रुपये. बिल्कुल. तो ऐसा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया इंशाल्लाह. बहुत आज तो अच्छा वो रहा, पॉजिटिव. वीट के सिलसिले में भी कुछ पॉजिटिव हो जाए तो अच्छी बात है. वीट के सिलसिले में मेरी सजेशन यही होगी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 17 रुपये में बेचने की, सब्सिडी ऑफ 30 रुपीज़ या 15 रुपीज़ देके ये 17 रुपये वाला गंदम जो है आप गरीबों में बांट दें, खासी गुर्बत कम हो जाएगी. ये मेरी डिमांड है. वासी साहब ने जैसे कहा कि इंशाल्लाह लगता है ये 500,000 टन की जो डिमांड श्रीलंका की आई है उसको हम मीट कर लेंगे, 3 लाख गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बाकी 2 लाख किए. और इन्होंने ये भी कहा कि फिलीपींस में भी हम कम्पिटिटिव हैं, ऑल दो डिस्टेंस काफ़ी है, और हमारे जो कम्पटिशन है वो म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से है, लेकिन इसके बावजूद हमारे चावल को पसंद किया जाता है, टेस्ट को पसंद किया जाता है और बिकता है. ईरान में भी अभी पोटेंशियल खुल जाएगी क्योंकि ईरान के इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ भी हमारे पास बड़ा चाहिए. इनफॉर्मली तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन फॉर्मली भी अब करना चाहिए वहाँ पर. नाज़िर इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफ़िज़.